कानपुर मेट्रो के तेजी से बढ़ रहे कदम में एक और कार्य का शुभारंभ किया गया। कानपुर में बन रहे दूसरे चरण के भूमिगत मेट्रो स्टेशन के कार्य का आज शुभारंभ हुआ। स्टेशन के कार्य का शुभारंभ मेट्रो MD सुनील कुमार ने किया। MD सुनील कुमार ने बताया कि फर्स्ट फेज के बाद अब सेकंड फेज के भूमिगत मेट्रो के कार्य की शुरुआत आज से हो गई है। तो वहीं सेकंड फेज में 7 मेट्रो स्टेशन होंगे जो कि सभी भूमिगत होंगे। आज 4 भूमिगत मेट्रो स्टेशन के कार्य का शुभारंभ किया है। इसमें चुन्नीगंज से नयागंज तक 4 मेट्रो का काम आज से शुरू हो गया है। तो वहीं भूमिगत मेट्रो होने की वजह से कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारी कोशिश है कि हम 2024 तक जनता को मेट्रो सौंप दें। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। बहुत नीचे टनलिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आम पब्लिक के हिसाब से वो ये कि ऊपर में कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत सारी सावधानियाँ बरती हैं, बहुत तरह के सेंसर्स लगाए गए हैं। हमारी एक टीम है, एक्सपैट्रेट्स भी हैं, एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं बाहर के देशों से जो इसको मॉनिटर करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग करीब 10 मीटर की खुदाई रोज करेंगे, और सारी सुविधा सारी सेफ्टी के साथ में ये टनलिंग धीरे धीरे आगे चलती है। देखिए, ये एक टफ टारगेट है। हमारा अपना इंटरनल टारगेट और गवर्नमेंट का टारगेट दोनों को समन्वय कराते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले साल के अभी जो मार्च 2024 तक हम लोग कोशिश करेंगे कि ये देश को समर्पित की जा सके।